क्या मौसमों का भी फर्क पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट पे, और मौसम के हिसाब से क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए भी हैं, जिसके आज मैं आज आप लोगों को जवाब देने आ गया हूँ। दोस्तों हाय दोस्तों, दिस इज़ भूपेंद्र राजपूत। आप लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की बहुत सारी नॉलेज शेयर करता हूँ, और वैसे एक छोटी सी और अच्छी सी नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इस बारे में वीडियो बनाऊँ, लेकिन इस बार मेरा मन हो गया कि इस बार ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाना ही है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं कि हम गर्मी पे नहीं करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हम ठंडी पे करवाना चाहते हैं, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये जो थिंकिंग है आप लोगों की, आज मैं चेंज कर दूँ, आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि क्या होता है, कैसा होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को सिंपल और सरल फंडा बताना चाहूँगा, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद आप घंटे का बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेट हो और मेरे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को अपडेट होते रहें। और जो कि दोस्तों बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है ऑलरेडी, मुझे जानते हैं कि मेरा नाम भूपेंद्र राजपूत है और मैं ऐसे ही नॉलेज की वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन वो घंटे का बेल आइकन दबाना भूल गए हैं। दोस्तों जो सब्सक्राइब के बाजू में है ना, वो दबाना है आप लोगों को, तो दबा दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मौसम के हिसाब से ट्रांसप्लांट करवाना और उसके बारे में सोचना, ये गलत थिंक है दोस्तों, गलत बातें हैं। बहुत लोग जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि हम सर्दी में करवाएं, गर्मी में करवाएं, बहुत ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों को बोलते हैं जो चीज़ें नहीं होती हैं, अननेसेसरीज होती हैं, और जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं। ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है और बहुत सारी चीज़ें पेलते रहते हैं, और सिर्फ दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की सक्सेस नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ अपना ढोल बजाते हैं कि हम हैं और हम सही बोल रहे हैं, हम सबका साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेटर जानते हो, आप लोगों को पता है मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। चलिए बेकार लोगों की बातें छोड़ते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की, मौसम के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेयर ट्रांसप्लांट पे। दोस्तों चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोई भी चारों मौसम में कोई सा भी हो, तो जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट है वो वैसा ही आता है जैसी आपकी डेंसिटी होती है, जैसा आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है। जो कि मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट होता है, यहाँ से बाल निकाल के जो कि फ्रंट में लगाते हैं, वो हीलिंग के लिए जो 7 दिन का मेडिसिन दिया जाता है, उसमें एंटीबायोटिक होता है, पेन किलर होता है, कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं, वो सब मौसम में लेते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस मौसम में नहीं लोगे, गर्मी में नहीं लोगे, ठंडी में नहीं लोगे, या बरसात में नहीं लोगे, या चारों मौसम में। दोस्तों ये सब मौसम में लेना पड़ता है, इसलिए सिंपल सी लॉजिक है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बेनिफिट वाली चीज़ें ये होती हैं, मैं ऐसा मानता हूँ दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि गर्मी में करवाना सबसे बेस्ट होता है, ठंडी से बेटर। क्योंकि दोस्तों ट्रांसप्लांट होने के बाद आप ये बोल सकते हो, जब टकला होने के बाद, क्योंकि ट्रांसप्लांट हो गए तो आपको ट्रिम करके ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, टकला होने के बाद सबको, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को सिर्फ आप ये बोल सकते हो कि मैंने तो अभी गर्मी चल रही है इसलिए मैं टकला हो गया, और इस कारण से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया। दूसरी बात दोस्तों, गर्मियों में जब सर पे पसीना आता है तो जो रूसियाँ होती है, जो गंदगी होती है पसीने के कारण, वो बह जाती है, तो आपका स्कैल्प साफ रहता है, गंदगी नहीं होता। तो गर्मी में ये सारी चीज़ें बेनिफिट है उल्टा। तो दोस्तों ये माइंड से बिल्कुल हटा दो आप कि हम गर्मी पे नहीं करवाएंगे, सर्दी पे करवाएंगे, सब में करवा सकते हो। जो मुझे बेनिफिट लगा मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग सर्जरी के लिए जा रहे हैं, और उनके साथ काफ़ी यूट्यूबर, जो दूसरे यूट्यूबर ने बात की थी, उनको सी बनाने की कोशिश किया, जो कि मुझे बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे साथ इस यूट्यूबर ने मुझे 2500 ग्राफ लगाने थे, मुझे 3500 3300 ग्राफ बता दिए। मैं जानता हूँ दोस्तों आप लोग के साथ बहुत सारे गलत हो रहे हैं,
लेकिन उन गलत लोगों को छोड़ के आपको मेरे साथ आना है, मेरी जर्नी में जुड़ना है और मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवा के दूंगा दोस्तों। जो कि क्लिनिक का चार्ज 15 रुपये है, वो जेन्युइन चार्ज है, वो डॉक्टर के हिसाब से है, बाकी लोगों की आपको बात नहीं सुननी है। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत दमदार, बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, ये आपको देखना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये सारी छोटी सी नॉलेज थी और मैं चलता हूँ, ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। सायोनारा, बाय बाय, से ट्यून दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, अपने बालों का।